कप में इंडो कोर्ट पर सर्विस अहम होगी। भारतीय कोच अंकिता भारत की फेद कप कोच अंकिता भांबरी का मानना है कि ईमानदारी से कहूं तो लड़कियों में हर साल सुधार हो रहा है। करमन मजबूत और सबसे फिट हैं, जबकि अंकिता भी मजबूत हैं और उसके पास अधिक अनुभव है। अस्ताना भारत की फेद कप कोच अंकिता भांबरी का मानना है कि अंकिता रैना और करमन कौरथंदी यहां फेद कप टेनिस टूर्नामेंट में सबसे से बेहतर रैंकिंग वाली खिलाड़ियों से भिड़ेंगी तो इंडो कोर्ट पर सर्विस महत्वपूर्ण होगी। भारत एशिया ओसियाना ग्रुप एक में अपने अभियान की शुरुआत गुरुवार को थाईलैंड के खिलाफ करेगा, जबकि शुक्रवार को उसकी भिड़ंत मेजबान कजाकिस्तान की मजबूत टीम के साथ होगी अंकिता रैना और करमन के। अच्छी फॉर्म में होने के कारण भारत को थाईलैंड को हराने में अधिक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थाईलैंड की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाली एकल खिलाड़ी पिंटन प्लीपुच है, जिनकी विश्व रैंकिंग 297 है। उनके साथ ही खिलाड़ी पूनन कोवा पेतुकेट की विश्व रैंकिंग 657 है। अंकिता भांबरी ने पीटीआई से कहा, ईमानदारी से कहूं तो लड़कियों में हर साल सुधार हो रहा है। करमन मजबूत और सबसे फिट हैं, जबकि अंकिता भी मजबूत हैं और उसके पास अधिक अनुभव है। शहर में तापमान 0 डिग्री से कम होने के कारण मैच इंडो कोर्ट पर खेले जाएंगे, अंकिता भांबरी ने कहा। अच्छी सर्विस करना इंडो में और गेंदा तक तेजी से पहुंचना महत्वपूर्ण है। अगर आप उनकी अच्छी शुरुआत करते हैं तो खत्म करने की संभावना भी बेहतर हो जाती है। कजाकिस्तान के पास दुनिया की 43वें नंबर की खिलाड़ी यूलिया पुतिनसेवा और 96वें नंबर की खिलाड़ी जरीना डियास है और इन दोनों के सामने पूले में भारत की राह आसान नहीं होगी। पूले और पूल बी में शीर्ष पर रहने वाली टीमों के बीच होने वाले मुकाबले से विश्व ग्रुप दो में जगह बनाने वाली टीम का फैसला होगा। पूल बी में 4 टीमों को जगह मिली है, जिसमें चीन, कोरिया, इंडोनेशिया और पैसिफिक ओशियाना शामिल है।